तमाम हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को लेकर हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, और जो कमेंट्स सबसे ज्यादा होते हैं उन कमेंट्स के, उन तमाम लोगों को पढ़कर उनसे बातचीत करने के बाद में उनके संघर्ष को दिखाने की हम कोशिश करते हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनसे बातचीत की जाती है कि क्या वजह है कि लगातार संघर्ष करने के लिए युवा मजबूर है, लाठी खाने को मजबूर है, लेकिन इस मसले को लेकर कदम नहीं उठाया जा रहा है। अलग अलग जो तमाम साथी हमारे साथ हर रविवार को जुड़ते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, 6,800 शिक्षक अभ्यर्थियों की बात हो या 97,000। उन तमाम एम्बुलेंस कर्मचारियों की जो 10 महीने से ज्यादा समय से लगातार संघर्ष करने को मजबूर हैं, सड़कों पर हैं, उनका परिवार तबाह होने की कगार पर है, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान देती अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि जांच की बातें जरूर कही जा रही है। तमाम जो दर्शक भारी संख्या में जुड़ चुके हैं अपने विचारों को रखना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले चित्रा, रोजगार के मसले को लेकर इस महीने की क्या अपडेट, क्या नजर आ रही है, क्या तस्वीरें नजर आ रही है, रोजगार को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? संघर्ष तो लगातार युवा कर रहे हैं, संघर्ष लगातार युवाओं की तरफ से किया जा रहा है, बेरोजगारों की तरफ से किया जा रहा है। रोजगार के मसले पर हर रोज वो धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर रोज शायद ये कि उम्मीद उनके लिए और हमारे मन में भी रहती है कि शायद कुछ एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। धरना प्रदर्शन जो कई सालों से लगातार जारी है, जो इको गार्ड में हम देखते हैं, लखनऊ में देखते हैं, प्रयागराज, हर एक शहर में जब अपने मुद्दों को लेकर वो सामने आकर सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, तो सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हमें भी जानने की एक उम्मीद होती है कि शायद इस बार तस्वीरें अगले हफ्ते कुछ बदलेंगी। लेकिन हर एक उसमें अगर हम देखें, हर एक सेक्टर में काम किया जा रहा है, हर एक एक्शन की तरह ये सेना को लेकर जो अपडेट आया चित्र उसमें